भाई किसी को पता है कौन सा वेजिटेबल है या सलाद का पत्ता है? बहुत कड़वा और चलता है। कुवैत आई लव यू। कुवैत आई लव यू। बहुत मस्त है ना कुवैत? एकदम जबरदस्त। और किधर के हो आप? मैं नेपाल का भाई। नेपाल के हो आप? 12 घंटा ड्यूटी है टोटल देखने के तो 14 आवर्स का ड्यूटी है हमारा। सुबह जब हम उठेंगे खरखरा सा लगेगा, हल्का हल्का सा लगेगा। वेलकम बैक दोस्तों फॉर अनदर व्लॉग। और आज हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आज हम लोग खाना खाने जाएंगे बाहर, जो इंडियन रेस्टोरेंट में आज हम खाना खाने जाएंगे, ठीक है? और ये होगा छोटा सा ब्लॉग, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। देखेंगे क्या है खाने में स्पेशल और क्या उसकी प्राइस है कुवैत में। ओके चलो चलते हैं। ग्लास थोड़ा खराब है, उसे बात मैं साफ करता हूं, बाद में और एक बार करूंगा, ठीक है? टेंशन ना लेने की जरूरत। और मेरे बिल्डिंग में 9 माले है, समझ में आ रही क्या तुम्हें? मेरे बिल्डिंग में 9 माले है, ऊपर भी सिंह है, इसको बंद कर सकते हैं, दो बार टैप करने का, एक दो देखा, अरे एक दो ट्रिक्स है रे भाई, आपने को सब मालूम है क्या? चलो तो अभी हम लोग जाएंगे, ये पानी और वो क्या दोनों में पानी है, तो हम जाएंगे खाना खाने के लिए। और ये हमारे भाई साहब, ओके ये हमारे भाई साहब है, ठीक है? और भाई साहब कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लगता है कुवैत, आई लव यू कुवैत। कुवैत आई लव यू। बहुत मस्त है ना कुवैत? एकदम जबरदस्त। और किधर के हो आप? मैं नेपाल का भाई। नेपाल के हो आप? यस। अच्छा देखा, नेपाली भाई साहब हमारे हमारे साथ भी काम करते हैं। और मैं नेपाल का नंबर वन है। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया भाई। तो है हमारे साथी हैं, हम लोग काम करते हैं एक ही साथ, तो चलता है। 12 घंटा ड्यूटी है टोटल देखने गए तो 14 आवर्स का ड्यूटी है हमारा। 14 आवर्स ऐसे होता है कि हम लोग सुबह 5 बजे के पहले तो बस होती है, किसकी? अपनी कंपनी की बस होती है, तो सुबह 5 बजे से पहले हम लोग रेडी हो के 5 बजे का बस पकड़ते हैं। 5 बजे का बस पकड़ने के बाद में जो 5 बजे का बस पकड़ने के बाद में हम लोग 6 बजे लोकेशन पे पहुंचते हैं। 6 बजे लोकेशन पहुंचने के बाद में 6 to 6 हमारी ड्यूटी होती है, तो 6 to 6 ड्यूटी होने के बाद 6:15 के आसपास बस आता है हमें पिकअप करने के लिए। बाद में हम लोग 7:15 रूम पे पहुंचते हैं, उसके बाद में हम अपना खुद का खाना बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, फिर रूम की साफ़ सफाई करके फिर हम 10:30 बजे के आसपास हम सोने जाते हैं। तो इतना काम करके हम डेली सोते हैं, तो ये हमारा डेली, ऐसा भी नहीं कि महीने का 2 छुट्टी है या 3 छुट्टी है, नहीं छुट्टी बिल्कुल नहीं है, पूरा महीना ऐसा ही घिसते रहो। और महीने के एंड में जो मिलता है वो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको इधर पहुँचाया, खिला रहे हैं ना। देखो हमारा रेस्टोरेंट आ गया, एक चिकन टिक्का मसाला देना फिर, और तंदूरी रोटी देना, बटर थोड़ा मसाला थोड़ा स्पाइसी रहने दो, मसाला थोड़ा स्पाइसी बनाने दो, तब तक थोड़ा 7 अप देना मुझे। इधर से इधर तक क्या है, 2-3 बिल्डिंग प्यास लग गया, बाहर घर में भी वैसी है ना, प्यास लगते है तो थोड़ा भी बाहर इधर, जैसे कि अभी रूम में ए सी में गला या फिर नाक नहीं सूखता है, तो बाहर घूमने गए तो नाक सूखेगा, गला सूखेगा, इतना उठते रहता है कि सूख जाता है, स्टार्टिंग में तो रहता है ए सी में रहने के,
रात में अगर हम लोग सोएंगे तो सुबह जब हम उठेंगे गला खरखरा सा लगेगा, हल्का हल्का सुकून आएगा, ऐसा लगेगा कि गला फट रही है। जल ठंडे में कब से फटता है वैसे, तो दिक्कतें होती रहती है जब भी हम न्यू प्लेस में जाते हैं और टेंडर फट जाए तो मुश्किल होगा। खैर वो बात की बात है, फिलहाल खाने का इंतजार कर रहे हैं। वेजिटेबल है या सलाद का पत्ता है, बहुत कड़वा और गाइस हमारा बिल हुआ 4KD 650। तो हमने लिया था 4 बटर नान, 2 चिकन टिक्का और 2 सॉफ्ट ड्रिंक। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इंडिया में तो कितना होता है? 1,400-1,500 रुपया कुछ होता है वो सिर्फ एक टाइम का खाने के लिए। और इसलिए हम लोग ने मेरे ख्याल से 100 रुपये खर्चा करके कल के लिए नाश्ते में थोड़ा रोटी वगैरह लिया है, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। ठीक है, यही था हमारा छोटा सा आज का ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ कमेंट करो अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। ओके, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ मैं डालते रहूँगा और थोड़े बड़े भी वीडियोज़ डालते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो या सपोर्ट करो। Okay, thank you for watching. Bye.